सो हेलो गाइस, YouTube की तरफ से बहुत ही शानदार अपडेट आ गए हैं। अब दोस्तों आपका जो चैनल है वो हैक होने से बचेगा और सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी लेवल तक इंक्रीज हो जाएगी। अब भाई कैसे होगी, YouTube ने कुछ न्यू अपडेट्स दिए हैं जिनको फॉलो करने के बाद में जो आपकी सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिससे आपका जो यूट्यूब चैनल है वो यहाँ पर हैक होने से बचेगा। दोस्तों आए दिन यहाँ पर आप सुनते होंगे कि भाई इसका चैनल हैक हो गया, उसका हो गया, बड़े बड़े चैनल तक हैक हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों कुछ लोग यहाँ पर गलतियाँ करते हैं, उसी की वजह से यहाँ पर चैनल हैक होता है। लेकिन YouTube आपको बता रहा है कि भाई ये गलतियां अगर आपने की हैं यहां पर आप एक बार चेक करिए। तो चेक हम करेंगे, उसके लिए दोस्तों आपके पास एक मेल आया होगा कुछ इस तरीके के। यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके के एक मेल आया होगा जहां पर लिखा है सिंपल स्टेप इंक्रीज योर सिक्योरिटी। दोस्तों ये अपडेट दोस्तों सभी के पास आया है, ये मेल सभी के पास आया है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग यहां पर देखकर कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। ये क्या स्टेप है, 6 स्टेप क्या है, किस तरीके से फॉलो करना है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और बाय चांस अगर आपकी सिक्योरिटी यहां पर कम है तो उसको 100% कैसे किया जाता है, पूरी डिटेल यहां पर मैं देने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मेरा नाम है सबत खान, आप देख रहे हैं जी टेक्निकल। तो दोस्तों सबसे पहले आपको उसी मेल पर आ जाना है, उस पे मेल पर क्लिक कर देना है। इस तरीके का इंटरफेस आएगा दोस्तों यहां पर। इसके बाद में ये जो 6 स्टेप हैं ये अभी आपको समझ में नहीं आएंगे। सबसे पहले आपको सिक्योर योर अकाउंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहां पर जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों, कहीं भी एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। जैसे आपका YouTube चैनल बना है उससे आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में जो आपका ऊपर ऑप्शन है सिक्योर चेकअप, तो सिक्योरिटी चेकअप यहां पर मेरा हो चुका है ऑलरेडी, YouTube ने करके बता दिया है। यहां पर ग्रीन टिक आ गया है। अगर बाय चांस आपका यहां पर येलो आता है, यानी कि कोई ऑप्शन यहां पर आता है एरर बताता है, तो आपकी सिक्योरिटी 100% नहीं है, आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सबसे पहले ये ऑप्शन चेक करना है। तो यहां पर सबसे पहले योर डिवाइस यहां पर एरर बता रहा है, ये क्यों बता रहा है अभी आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर आपको क्लिक करके देखना है। तो जैसे कि मैंने यहां पर क्लिक किया, ये फर्स्ट में आपको बताएगा कि भाई आपके जो ईमेल आईडी है वो कहां कहां पर अभी फिलहाल लॉगिन है। और बाय चांस यहां पर अगर आपको देखने को मिलता है कि भाई ये तो मेरा डिवाइस नहीं है, तो आपको यहां पर सबसे पहले रिमूव पर क्लिक करके उस डिवाइस को हटा देना है। तो ये आपको एक काम कर लेना है। इसके बाद में दूसरा आपको यहां पर सिक्योरिटी रिसेंट सिक्योरिटी एक्टिविटी ये बताता है। रिसेंट सिक्योरिटी एक्टिविटी का मतलब ये होता है दोस्तों, अभी अभी आपने किस किस डिवाइस पर लॉगिन किया है आपका यूट्यूब चैनल, या फिर किसी ने आपके चैनल पर अटैक किया है आपके जो आईडी है उसको हैक करने के लिए, तो यहां पर ये बताता है। अभी मेरे पास कोई भी यहां पर अपडेट नहीं है क्योंकि ये ऐसा कुछ अभी मेरे चैनल पर नहीं हुआ है। यहां पर अगर आपका होगा तो आप एक बार पासवर्ड को चेंज कर लीजिए, यहां पर कुछ इस तरीके का इंस्ट्रक्शन देगा। फिलहाल यहां पर मेरा कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं चलता हूं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट यहां पर आ जाता है 2-स्टेप वेरिफिकेशन। तो 2-स्टेप वेरिफिकेशन यहां पर करना बहुत जरूरी है। अब भाई इससे क्या बेनिफिट होता है, यहां पर ये बेनिफिट होता है दोस्तों, आपका आईडी आपका पासवर्ड हैकर के पास चला भी जाए फिर भी आपका चैनल सेफ रहता है। अब भाई कैसे रहता है, तो यहाँ पर इस तरीके से रहता है कि भाई आपका जो OTP है वो आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। यहाँ पर जो हैकर है वो आपके मोबाइल का डेटा हैक करेगा, तो दोस्तों इससे जो OTP आएगा वो हैक उससे नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से जो आपका चैनल है वो बचने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको 2-स्टेप वेरिफिकेशन करके रखना है, ठीक है दोस्तों। के बाद में रिकवर ईमेल यहाँ पर ही एक ऑप्शन आएगा। अभी मेरा यहाँ पर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने सभी सिक्योरिटी ओपन कर ली है। यहाँ पर आपको एक ईमेल सिक्योरिटी यानी कि रिकवर ईमेल आपको ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको क्लिक करके रिकवर ईमेल डाल देना है, दूसरी ईमेल डालना है। भाई ये नहीं करना है कि भाई ये ईमेल है तो इसी का इसी ईमेल डाल दें, इसका मतलब ये हो जाता है जैसे कि ये मेरा मोबाइल है, सारी आईडी मेरी इस मोबाइल में है, तो अब भाई इसी को कोई हैक कर लेगा तो मैं यही ईमेल से वापस कैसे रिकवर करूंगा। मैं डालूंगा मेरे भाई की, मेरे घर वालों की, किसी रिलेटिव की, इंसान की डालना है जिस पर आपको 100% भरोसा हो, ठीक है दोस्तों। आपको उसी का यहां पर ईमेल आईडी डालना है रिकवर करने के लिए, ठीक है भाई। इसके बाद में दोस्तों यहां पर आपको थर्ड दिख रहा है, थर्ड पार्टी एक्सेस। इसका मतलब यह है थर्ड पार्टी कि आपने कहां कहां पर आपका एक्सेस दिया है चैनल का। तो इससे क्या होता है, मैंने 2 एक्सेस दिए हैं, एक दिया है ट्यूबबडी को, एक दिया है विड आईक्यू को। ये दोस्तों हमारा डेटा देखकर हमारे हिसाब से अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, या फिर हमारा चैनल अभी किस कैटेगरी में है, आप कौन सा वीडियो चल रहा है कौन सा वीडियो नहीं चल रहा है, अभी हमारा किस टाइप का चैनल है, तो वही चीज़ें ये बताता है। तो इसको एक्सेस लेने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि भाई ये यूट्यूब का ही तो डेटा हमको बताता है और हमको क्या करना चाहिए वो बताता है। अगर इन चीज़ों के अलावा जो आप यहाँ पर नहीं जानते और वो ऐप यहाँ पर दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर दिख रहा है, तो आपको खटाक से रिमूव एक्सेस पर क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपका अकाउंट सिक्योर हो जाएगा। फिलहाल अभी मैं इनको जानता हूँ, इन ऐप का एक्सेस मैंने खुद से दिया है, तो डोंट वरी। तो लास्ट है पासवर्ड। भाई पासवर्ड यहाँ पर बोल रहा है कि भाई पासवर्ड आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
रखना है और किसी भी वेबसाइट पर जाके तुरंत से अपना पासवर्ड नहीं डाल देना है। और काफ़ी लोग गलतियां करते हैं भाई, पासवर्ड में क्या रखते हैं, जैसे कि मेरा नाम रख दिया, मेरा मोबाइल नंबर रख दिया बैक में, या मेरी डेट ऑफ बर्थ रख दी, या फिर मेरा जो गाड़ी का नंबर है वो रख दिया। भाई ऐसे काम आपको नहीं करने, ना ही नंबर डालना है ना ही आपका कैरेक्टर डालना है, यानी कि ABCD आपको नहीं डालनी। आपको क्या करना है, थोड़ा मिक्स करना है, मिक्स कॉन्टेंट करना है। ये बिल्कुल सिंपल चीज़ें होती हैं दोस्तों। हैकर के पास एक स्क्रिप्ट रहती है, इन वर्ड्स के एक पासवर्ड रहते हैं अलग अलग, इनको एक अलग लैंग्वेज में जाना जाता है, HTML भाषा में। तो अलग अलग यहाँ पर इनकी लैंग्वेज होती है, जो A to Z यहाँ पर उनको पता रहती है, और यहाँ पर एक से अनलिमिटेड नंबर तक यहाँ पर इनको पता रहता है। लेकिन इनको वो चीज़ें पता नहीं रहती जो हम बता रहे हैं डालने के लिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जो कैरेक्टर है उसको, किसी कैरेक्टर को कैपिटल करिए, किसी को स्मॉल कर दीजिए। इससे क्या होता है, इससे कंफ्यूज होता है, जो स्क्रिप्ट रहती है उनकी अटैक करते हैं, तो वो यहाँ पर इनको समझ नहीं पाती। इसकी वजह से आपको जो पासवर्ड है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो यहाँ पर उसको चुरा नहीं पाते। ठीक है दोस्तों, ये आपको पहला काम कर लेना है। दूसरा नंबर, आपके जो कैरेक्टर है उनके बीच में या फिर आसपास आप कहीं भी स्पेशल कैरेक्टर लगा सकते हो। स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है, हैशटैग हो गया, @ हो गया, डॉट हो गया, या फिर किसी भी सिंबल को आप यूज़ करते हैं जो आपके कीबोर्ड में दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, इन सभी चीज़ों को यूज़ करने के बाद में जो आपका पासवर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो YouTube आपसे 6 स्टेप, इसीलिए वो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे YouTube ने ये 6 अपडेट क्यों भेजे हैं। YouTube बोल रहा है कि भाई पहले ये 6 अपडेट आप चेक करो, आपने इनको एक्सेस किया है या फिर नहीं किया। अगर नहीं किया तो आपका अकाउंट सिक्योर नहीं है, अगर कर लिया है तो आपकी जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है। आपके कोई दिमाग में सवाल या फिर सुझाव भाई कमेंट बॉक्स आपके लिए, यार कमेंट क्यों नहीं करते भाई, लाइक सब्सक्राइब कुछ मत करो लेकिन कमेंट जरूर कर दिया करो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।